यार भाई मैं जिम तो कर ली, मेरी एक छाती थोड़ी पतली लग रही है, थोड़ी मोटी लगी, तेरी भी ऐसी है के? भाई या मुझे नहीं पता है। चल तो भाई विकास सरकम चल, चलो भैया। तो अक्सर जिम करने के बाद बच्चों का यही सवाल रहता है कि यार मेरी एक तरफ की चेस्ट देख और दूसरे तरफ की चेस्ट देख तुझे कुछ फर्क नजर आएगा। तो दोस्तों इसमें घबराने वाली किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं है। मैं आपका दोस्त विकास सोनी रॉयल जिम की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम हमारी समस्या को प्रॉपर तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऐसा होता क्यों है, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डोमिनेंट साइड्स, मेरे प्यारे दर्शकों, अक्सर हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वर्क करता है, और जब एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान भी हमारा आधा जो शरीर है एक्टिव रहता है, और एक भाग जो हमारा रहता है वो प्रॉपर तरीके से उतना एक्टिव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये समस्या हमारे साथ उत्पन्न होती है। दूसरा कारण, गलत तरीके से गलत फॉर्म में एक्सरसाइज करना, ये भी एक कारण बनता है। तीसरा कारण है रेंज ऑफ मोशन का। साथियों, गलती क्या करते हैं बच्चे, वर्कआउट के समय पे हाफ रेंज ऑफ मोशन में लगे रहते हैं, जिससे मसल्स पे प्रॉपर तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता है और हमारी जो मसल्स हैं वो वीक रहती हैं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है, चलिए उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि मेरी इस साइड की चेस्ट वीक है तो मैं सिंपल अपना डंबल लूंगा और कम वेट के साथ मैं प्रॉपर तरीके से इसके साथ एक्सरसाइज करना शुरू करूंगा। दूसरा, अगर मेरी फॉर्म गलत है, मैं ऐसा से कर रहा हूं, तो मैं अपनी फॉर्म को प्रॉपर तरीके से सबसे पहले ठीक करूंगा। जब मेरी फॉर्म ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मेरी मसल्स पे वर्क होना शुरू हो जाएगा। ठीक वजन का चयन करना, मेरे प्रिय साथियों, जब भी आप जिम में जाते हैं आपको लगता है कि मेरा एक हिस्सा वीक है, तो आप लोग कम वेट के साथ उस हिस्से पर ज्यादा रेपिटेशंस के साथ वर्कआउट करेंगे तो आपका जो हिस्सा वीक है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो वेट का खास तौर पर ध्यान रखें। तीसरा, वजन का ठीक तरीके से चयन करना। मान लीजिए मेरी एक साइड की चेस्ट वीक है तो मैं कम डंबल के साथ वर्क करना शुरू करूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरी मांसपेशियों पे प्रॉपर तरीके से वर्क होना शुरू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो बताना भूल गया साथियों, स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी स्टिफ है तो आप हर रोज स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी की एक्सरसाइजेस कीजिए, जिससे कि आप अपने शरीर पर प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे और साथ साथ आपकी जो मसल्स जिनमें टाइटनेस है, स्टिफनेस है, वो भी रिलैक्स मोड में आएंगी, जिससे कि आपको जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों से जल्द छुटकारा मिलेगा। मुझे लगता है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। जय हिंद, जय भारत।